नित्य है, आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। पहली शंका, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में शत शत वंदन, सात नंबर के सत्संग में आया कि मुनिराज तपते हुए पत्थर पर बैठते हैं, उसमें जिज्ञासा है कि मुनिराज तपती शिला पर क्यों बैठते हैं, कारण क्या? चंद्राबेन भिलाई। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होने पर सहज ऐसी परिणति निर्मल होती है कि भावलिंगी मुनिराज सकल चारित्र के धारी है। भावलिंगी मुनिराज की पहचान ही वितराग परिणति है। पत्थर पर बैठकर आत्मा का ध्यान करना, नदी के तट पर आत्मा का ध्यान करना, गुफा में बैठकर आत्मा का ध्यान करना, वन उपवन में आत्मा का ध्यान करना, या फिर पर्वत के शिखर पर आत्मा का ध्यान करना, या फिर स्मशान में आत्मा का ध्यान करना, इत्यादि अनेक स्थान जहाँ भावलिंगी मुनिराज आत्मा का ध्यान करते हैं, ये भावलिंगी मुनिराज की पहचान नहीं है। क्योंकि जब यह दशा प्रकट होती है कि मैं राग की दीवार का पड़ोसी चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं स्वयं चैतन्य महल हूं, तब इस बात की ओर ध्यान ही नहीं जाता कि मैं कहां ध्यान करने बैठूं और कहां न बैठूं। मुनिराज की रुचि चैतन्य तत्व में है, देह के परमाणुओं के पिंड में नहीं। और जब देह के परमाणुओं के पिंड में भी मुनिराज की रुचि नहीं, तो देह के परमाणु का पिंड कहाँ बैठा है, उसकी रुचि कैसे होगी? फिर भी जो ये सुना कि भावलिंगी मुनिराज गरम पत्थर पर, गरम शिला पर बैठकर आत्मा का ध्यान करते हैं, इसके बारे में कुछ रहस्य समझ लेने चाहिए कि जब तीन कषाय चौकड़ी के उदय के अभाव पूर्वक वितराग परिणति प्रकट होती है,
और वे मुनिराज वनविहारी होते हैं, जब वे आत्मा का ध्यान करते हैं तब वे पत्थर पर बैठते हैं, ऐसा जो आपने सुना है सत्य यह है कि आत्मा का ध्यान करते भी नहीं और गर्म पत्थर पर बैठते भी नहीं। आत्मा का ध्यान होता है और गर्म पर बैठना ये कोई उद्देश्य बनाकर बैठना नहीं होता। कि जैसे वन में अनेक पत्थर है और कुछ पत्थर ऐसे हैं कि जो पेड़ के नीचे है, कोई शिला पेड़ के नीचे है और कोई शिला ऐसी है कि जिसके ऊपर पेड़ नहीं है, पेड़ के पत्ते नहीं हैं, तो एक एक पत्थर को छू करके कौन सा पत्थर अधिक गर्म है उस पत्थर पर जाकर बैठता है जो, वह भावलिंगी साधु नहीं, वह हठी है। वो हठाग्रह में आत्मा की साधना के बहाने शरीर को जलाना चाहता है। यदि ऐसा है तो भावलिंगी साधु गर्म पत्थर पर क्यों बैठते हैं? बात ऐसी है कि जब आत्मा की साधना में, आत्मा की आराधना में, अंतर की परिणति की स्थिरता में इतने एकाग्र होते हैं कि बाहर की ओर ध्यान ही नहीं जाता। इसलिए ये जो आप सुनते हैं अष्टमी और चतुर्दशी, ये भावलिंगी साधु को इनसे कोई लेना देना नहीं है। वन जंगल में कोई कैलेंडर लेकर नहीं घूमते, कोई घड़ी लेकर नहीं घूमते, वे समय को नहीं देखते। समय को देखना उनकी पहचान नहीं। हर अंतर मुहूर्त में समय सार में डुबकी लगाना ये भावलिंगी मुनिराज की पहचान है, ये भावलिंगी संत की पहचान है। वे भावलिंगी संत जब आत्मा के ध्यान में इतने मस्त होते हैं, स्वरूप की अस्थि की मस्ती में ऐसे अतिंद्रिय आनंद का भोग करते हैं कि देह की ओर भी ध्यान नहीं जाता, पुद्गल की ओर भी ध्यान नहीं जाता और काल की ओर भी ध्यान नहीं जाता। रात्रि के समय ऐसा समझो कि एक शिला पर लेटे हैं और भावलिंगी मुनिराज लेटे हैं, फिर बैठते हैं, फिर पैर भी फैलाए हैं, फिर बैठते हैं, फिर लेट जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। ये जो क्रिया होती है उस समय भी जब निर्विकल्प अनुभूति के काल में वे आत्मा के ध्यान में लीन है, तब तो चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति है। मगर जिस समय विकल्प की स्थिति है, विकल्प की दशा में भी अंतर में यही तत्व विचार चलता है। यदि यही तत्व विचार नहीं चलता तो फिर एक अंतर मुहूर्त में, वो अंतर मुहूर्त के काल में फिर आत्मा में डुबकी कैसे लगाते? ये हर अंतर मुहूर्त में आत्मा के ध्यान में लीन होने वाले मुनिराज को इसलिए ये कहा कि जिनके अशुभ भाव उत्पन्न होते ही नहीं है, क्योंकि हर अंतर मुहूर्त में आत्मा में लीन होने वाले वे मुनिराज को अशुभ भाव उत्पन्न होते ही नहीं, शुभ भाव से शुद्ध भाव और शुद्ध भाव से शुभ भाव, और ऐसे भावों में परिवर्तन होता है, परिणति में परिवर्तन होता है।
परिणति शुद्धता से और अधिक शुद्ध होती रहती है, और ऐसी स्थिति में ध्यान ही नहीं जाता कि सुबह के 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे और 12 बजे ये ध्यान ही नहीं गया और पत्थर गर्म हो गया। पत्थर गर्म होने का कार्य वो हुआ, सूरज की किरण उस पर पड़ी, मगर वे गर्म पत्थर पर नहीं बैठे थे, वो तो जहां बैठे थे वहीं पर ही बैठे हैं और पत्थर गर्म हो गया है। जानबूझकर शरीर को जलाने के लिए वे पत्थर पर बैठते तो सबसे सरल तो उपाय यही था कि आग में ही कूद जाते और जला देते शरीर को, मगर शरीर को जलाने के लिए पत्थर पर नहीं बैठते। और एक बात खास कि भावलिंगी मुनिराज 22 परिषहों को सहन करते हैं, तो उसमें उष्ण परिषह को ही सहन करते ऐसा नहीं है, शीत परिषह को भी सहन करते हैं। उष्ण और शीत माने जिनको दोनों परिषह में, दोनों प्रकार की ये पुद्गल की पर्याय में अब कोई राग द्वेष नहीं, इष्ट अनिष्ट की भावना नहीं, ऐसे भावलिंगी संत, ऐसे भावलिंगी मुनिराज, ऐसे वनविहारी संत गरम पत्थर पर बैठते हैं। जब मैं ये बोलता हूं तब मैं सभी भावों को व्यक्त नहीं कर सकता, मगर मैं जिन जिन दृष्टिकोण से उस मुनिराज की दशा को देखता हूं, उस दशा का विचार आता है कि पत्थर पर बैठते हैं, गरम पत्थर पर बैठते हैं, ऐसे पत्थर पर बैठे हैं जहां कोई मनुष्य जाता नहीं, ऐसे पत्थर पर बैठे हैं जहां कोई प्राणी भी जाता नहीं, ऐसे पत्थर पर बैठे हैं जहां जीव जंतु भी जाना पसंद करते नहीं। मुनिराज का प्रयोजन यह है कि जड़ वस्तुओं से बचे नहीं, चेतन से बच करके वे अपने स्वरूप में लीन हो, इसलिए तो गृहस्थ दशा छोड़ी, मनुष्य की दशा छोड़ी, कि मनुष्य कम से कम ऐसे गर्म पत्थर के पास तो नहीं जाएगा। ये दो पैर वाले जानवर से बचने के लिए वो गर्म पत्थर पर बैठे, मगर गर्म पत्थर पर बैठने की रुचि नहीं है। पत्थर पर बैठे हैं तब भी पत्थर मैं नहीं हूं, मैं जीवंत परमात्मा हूं, ये पत्थर पर बैठने का भाव, गरम पत्थर पर बैठना। मुनिराज कोई शरीर नहीं, मुनिराज आत्मा की वितराग परिणति है, और प्रत्येक मुनिराज गरम पत्थर पर बैठ करके आत्मा का ध्यान करते हैं, ये नियम जानो। एक भी मुनि ऐसे नहीं कि जिन्होंने गरम पत्थर पर विराजमान होकर आत्मा का ध्यान न किया हो, क्योंकि मैं शरीर के परमाणु को ही पृथ्वी कहता हूं, मिट्टी कहता हूं, पत्थर कहता हूं, और शरीर का जो टेम्परेचर है वो आपने सुना होगा 98.5 डिग्री, वो गर्म है कि बुखार आया है, क्या है, शरीर गर्म है, ये शरीर के परमाणु ही गर्म पत्थर है, और गर्म पत्थर को छूते भी नहीं मुनि, माने मुनि माने जिनकी वितराग परिणति ऐसी निर्मल है, वे मुनि, वो वास्तव में वितराग परिणति, जो आत्मा मुनि है, ये जो आप सुनते ना, जो आत्मा मुनि है, ये मुनि, मुनि का अर्थ ही कि जो आत्मा वितराग परिणति, ये वितराग परिणति सहित है, वितराग परिणति का ही दूसरा नाम मुनि। मुनिराज वितराग परिणति वाले होते हैं ये कहकर वितराग परिणति से मुनिराज को अलग मत करो, जैसे
करोड़पति करोड़ रुपये वाले होते हैं तो वो करोड़पति अलग हो गया और करोड़ रुपये अलग हो गए। ऐसे ही मुनिराज वितराग परिणति वाले होते ऐसा नहीं, वितराग परिणति का ही नाम मुनि है और मुनि है वे आत्मा है, अर्थात वितराग परिणति आत्मा को प्रकट होती है। इसलिए जो आत्मा मुनि है अर्थात जो आत्मा वितराग परिणति से युक्त है सहित है, ऐसे वितरागी आत्मा, ऐसे वितरागी भगवान, ऐसे वितरागी मुनिराज, ऐसे वितरागी मुनिराज मुनि भगवान, ये वितरागी मुनि भगवान, ये मुनिराज भी भगवान है, प्रत्येक आत्मा भगवान है, भगवान है। भगवान का अर्थ ही यह है भग अर्थात लक्ष्मी, प्रत्येक आत्मा लक्ष्मीवान है, प्रत्येक आत्मा ज्ञान रूपी लक्ष्मीवान है, प्रत्येक आत्मा में ज्ञान है, इसलिए प्रत्येक आत्मा भगवान है, भगवान है। मुनिराज पहाड़ पर आत्मा का ध्यान करते हैं, पहाड़ के शिखर पर आत्मा का ध्यान करते हैं, तब जब मैं ये दृश्य देखता हूँ चित्रों में, तस्वीरों में, या फिर मैं देखता हूँ किताबों में, जहाँ जहाँ ये लिखा कि मुनिराज पर्वत के शिखर पर, मुझे यही दिखाई देता है कि देह रूपी पहाड़ और देह रूपी पहाड़ के शिखर पर, वो कौन सा शिखर? चैतन्य शिखर पर। चैतन्य शिखर पर आरोहण करते हैं मुनिराज। गजपंथा की वह सिद्ध क्षेत्र की वह भूमि, जब मैं उस भूमि पर पर्वतारोहण करता था उस समय मुनिराज की दशा मुझे स्मरण में आती। भावलिंगी मुनिराज एक एक कदम आगे बढ़ते, एक कदम आगे बढ़ा, एक कदम आगे बढ़ा, एक आगे बढ़ा, फिर दूसरा, फिर और एक आगे, फिर एक और आगे, एक 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 कदम आगे बढ़ता। बढ़ने का कार्य होता था कदम, शिखर की ओर आगे बढ़ते थे। और जैसे शरीर के परमाणु पहाड़ के शिखर की ओर दोनों कदमों से आगे यात्रा होती है, ये यात्रा होती है, शिखर की यात्रा होती है, तब अंतर में भावलिंगी मुनिराज की यह दशा, जब आत्मा के शिखर पर, चैतन्य शिखर पर आरोहण होता है, पर्याय का आरोहण होता है, पर्याय आरोहण करती है चैतन्य शिखर पर, और जब पर्याय चैतन्य शिखर पर आरोहण करती है, एक कदम फिर दूसरा कदम, फिर एक कदम फिर दूसरा कदम, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, यही। और उस पर्याय को जब मैं देखता कि ये पर्याय चैतन्य शिखर की ओर आरोहण कर रही है, दुनिया को यह नहीं दिखाई देगा, रंगीन वस्त्र वाला या सफेद वस्त्र वाला पुरुष या स्त्री यह तो दिखाई देगा, मगर यह जो आत्मा की वितराग परिणति जो स्वरूप की ओर दौड़ती है, आत्मा की पर्याय जो चैतन्य शिखर पर आरोहण करती है, यह भी ऐसी ही है राइट और लेफ्ट की तरह, उत्पन्न हुई उत्पन्न हुई, यही सम्यक सम्यक होना ही उत्पन्न हुई। जैसे पर्याय द्रव्य पर आरोहण करे, पर्याय द्रव्य पर आरोहण करे, उत्पन्न हुई कि मिथ्यात्व से सम्यक रूप हुई, मगर वह जो उत्पन्न हुई वह भी चली गई। जब मेरे कदम आगे बढ़ते थे उस पहाड़ की ओर ऊपर जाता था, जो उत्पन्न हुई है यह मिथ्या से सम्यक, यह सम्यक पर्याय उत्पन्न हुई, मगर यह जो सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न हुई यह पर्याय भी नष्ट हुई, व्यय हुई, आई और गई।
कदम यहां आगे बढ़ते थे। सम्यक की पर्याय भी गई, सम्यक की पर्याय भी गई, उत्पन्न हुई और व्यय हुई। जैसे दो कदम आगे बढ़ते हैं तो एक दो एक दो एक दो, पहला कदम आगे बढ़ता कि उत्पाद हुआ, दूसरा कदम आगे बढ़ता कि व्यय हुआ, फिर ये पहला कदम आगे बढ़ता उत्पाद हुआ, फिर ये दूसरा कदम व्यय हुआ। उत्पाद व्यय की यात्रा होती, मगर ये यात्रा चैतन्य शिखर पर आरोहण करती ऐसी मुझे दिखाई देती। और एक बात खास, जब ये विचार आता कि ये दाया और बाया, उत्पन्न हुई सम्यक की और गई वो व्यय हो गई, वो गई सम्यक भी न रही वो भी व्यय हो गई। राइट पैर जब आगे बढ़ता तब सम्यक्त्व की पर्याय उत्पन्न हुई और लेफ्ट माने छूट गई वो भी व्यय हो गई। राइट और लेफ्ट, राइट पैर और लेफ्ट पैर, ये दोनों को ऐसे में देखता और अंतर में वह चैतन्य शिखर ही दृष्टि में आता। और वह जो दशा थी, ये तो गजपंथा के पहाड़ की मैंने आपको बात कही, मुनिराज की वह दशा, भावलिंगी संत जब चैतन्य शिखर पर यात्रा करते हैं, चैतन्य शिखर पर यात्रा करते हैं, भावलिंगी मुनिराज, भावलिंगी मुनिराज चैतन्य शिखर पर यात्रा करते हैं। भावलिंगी मुनिराज परमात्मा नहीं, परमात्मा तो परिपूर्ण, और भावलिंगी मुनिराज जो है वह अपूर्ण, परमात्मा तो परिपूर्ण, तो परिपूर्ण की ओर ये अपूर्ण पर्याय यात्रा करती है, ये मुनिराज की वह दशा। जब पहाड़ के शिखर पर मुनि को देखा तो चैतन्य शिखर स्मरण में आया, जब नदी के तट पर मुनिराज आत्मा का ध्यान करते हैं, नदी के तट को जब मैं देखता और मुनिराज का दृश्य देखता तो बाहर का जो जल का स्रोत बह रहा है वो नहीं दिखाई देता, मुनिराज आत्मा का ध्यान करते हैं, वो ज्ञान का जो प्रवाह बहता है वो ज्ञान के प्रवाह के भी दृष्टा है। जैसे नदी के पानी के प्रवाह को कोई किनारे पर रह करके देखता हो और ये देखता हो कि उस प्रवाह में बहने वाला मैं नहीं, ऐसे ही विकल्पों के प्रवाह में ही नहीं, ज्ञान की पर्याय के प्रवाह में भी जो बह नहीं जाता ऐसा चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, बस ऐसा जो भेद विज्ञान, ये भावलिंगे मुनिराज नदी के तट पर आत्मा का ध्यान करते हैं। भावलिंगी मुनिराज कि वह दशा, वन उपवन में आत्मा का ध्यान करते हैं, वन में और उपवन में आत्मा का ध्यान करते हैं, जहां कोई नहीं, जहां मनुष्य है ही नहीं, ऐसे वन में आत्मा का ध्यान करते हैं। और ऐसा ही ये वन है, एक वन, ऐसा ही ये एक चैतन्य परमात्मा है। मुनिराज जहां आत्मा का ध्यान करते हैं वहां मनुष्य नहीं होते, और मनुष्य माने पुत्र पत्नी परिवार वह नहीं, ये मनुष्य माने मुनिराज का जो शरीर वो मनुष्य, मुनिराज का शरीर ही मनुष्य। और मुनिराज जहां ध्यान करते हैं उस स्वरूप में लीन है, वहां मनुष्य नहीं है, वहां मनुष्य नहीं है अर्थात वहां मुनिराज का शरीर बीच में आता ही नहीं है, वो पराय मनुष्य की बात नहीं है, वो अपना देह जो मनुष्य है वह मनुष्य उस वन में नहीं है, उस चैतन्य के वन में नहीं है, जिस चैतन्य वन में मुनिराज ध्यान में लीन है, मुनिराज वन में ध्यान में लीन है, मुनिराज उपवन में आत्मा का ध्यान करते हैं, उपवन में आत्मा का ध्यान करते हैं, तब ऐसी दशा प्रकट होती है कि वहां पर्याय द्रव्य की ओर क्यों देखती है, पर्याय द्रव्य को क्यों ध्याती है, यही अब उसका स्वभाव ही यह है। यह मत पूछना
कि सूरजमुखी हमेशा सूरज की ओर क्यों देखता है, चंद्रमुखी हमेशा चंद्र की ओर क्यों देखता है। बस जैसे उसका स्वभाव है, ऐसे ही जिनकी तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वितराग परिणति प्रकट हुई है, ऐसी वितराग परिणति का स्वभाव ही यह है कि वे जो फूल वितराग परिणति के फूल खिले हैं, वो स्वभाव का ही लक्ष्य करते हैं, चैतन्य परमात्मा का लक्ष्य करते हैं। मुनिराज वन में है, चैतन्य के वन में है। मुनिराज उपवन में है, चैतन्य के उपवन में है। पर्याय द्रव्य के साथ अभेद होती है, उस समय जो घटित होता है उसके बारे में मैं आपसे कुछ कहूँ, कह नहीं सकता। फिर भी ये साहस, ये झूठा साहस, काश ये सुन सुन करके तुम्हें एक पिपासा जगे, कैसी होगी वह दशा, कैसी होगी दशा। बावलिंगी मुनिराज, ऐसे वनविहारी संत, अंतर्मुख उपयोग होता है जब ऐसे अपूर्व वितराग परिणति में शुद्धता में वृद्धि होती है, तब पर्याय द्रव्य के साथ अभेद होने पर यह अभेद, अभेद का भाव ये है, अभेद, अभेद, ये अभेद से एक ऊर्जा प्रकट होती है। वह ऊर्जा वही ज्ञान की ज्योति है। पर्याय के द्रव्य के साथ अभेद होने पर ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होती है, ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। अकेला नहीं, वो जो टकराहट है, वो टकराहट अर्थात ये पर्याय का द्रव्य के साथ अभेद होना, दूरी न रहना, और ये उसका ऐसा लक्षण है। ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो टकराने से ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा को मैं ज्योति कहता हूं। जैसे पहाड़, ये जो विद्युत, विद्युत की जो उत्पत्ति होती है, जो बिजली बनती है, वो कैसे बनती है कि पहाड़ से जो पानी गिरा नीचे, वो टकराने पर, वो टकराहट जो है उससे एक विद्युत तरंगे पैदा होती है। वो टकराहट, जैसे दो पत्थर है, दो पत्थर को टकराओ तो अग्नि पैदा होती है। ये टकराहट जो है, तुम दोनों हाथों को ऐसे, दोनों को ऐसे गर्म हो जाएंगे, थोड़ी देर तुम ऐसे घिसोगे, ये ऊर्जा पैदा होगी, गर्म। दो के टकराने से जो ज्योति जलती है, ऐसे ही पर्याय के द्रव्य के साथ टकराने से वो जो ज्ञान की ज्योति प्रकट होती है, जिस ज्ञान की ज्योति के प्रकट होने पर कर्मों के बंधन जलते हैं। और ये सिर्फ प्रतीक नहीं, इसके पीछे भी गहरा कारण है। इसलिए जब हमारे देश की ये विशेषता कि जब किसी की मृत्यु होती है तब शमशान में हम जलाते हैं, दफनाते नहीं, जलाने का यही, आग से जलाया, वो अग्नि, अग्नि की क्यों जरूरत पड़ी, काट करके फेंक देते, जमीन में गाड़ देते, मगर अग्नि से जलाना वो इसी बात को बताता है, वो ऊर्जा को बताता है, वो ऊर्ध्वगमन को बताता है, क्योंकि अग्नि का जो स्वभाव है वो ऊपर की ओर जाना, वो इस बात को बताता है कि भले देखो ये मिट्टी, ये मिट्टी तो नीचे की ओर जा रही है, ये शरीर के परमाणु जल करके तो नीचे राख बन करके नीचे जा रहे हैं, मगर ज्योति ऊपर जा रही है। ऐसे ही ये शरीर के परमाणु की मिट्टी ये जमीन की ओर जा रही है, और चैतन्य ज्योति ऊपर की ओर जा रही है। और उन दोनों के भेद को जब तुम देख सको, और उस भेद को देख करके तुम यहां भेद देख सको, बस फिर तुम शमशान में हो। मुनिराज शमशान में ध्यान करते, उसका भाव यह है। मुनिराज शमशान में आत्मा के ध्यान में लीन है, अर्थात ज्योति और राख को न्यारी न्यारी दिशा में देखते हैं। ये शरीर के परमाणु को और ज्ञान की ज्योति को ऐसे न्यारी देखा, ऐसा ये स्वरूप है। पूर्ण रूप से ये ध्यान की धधकती अग्नि, ये जो शब्द तुमने सुना है उसका भाव ये है, भाव ये है, ध्यान की धधकती अग्नि, ध्यान को अग्नि कहा। और जिससे क्या होता है, पूर्ण रूप से थोड़े भी कर्म बचते नहीं, कर्म जल जाते हैं,
जैसे अग्नि से, अग्नि से कूड़ा करकट जल जाता है, ऐसे ही ध्यान की अग्नि से कर्म के ये लकड़ियां, कर्मों के ये बंधन ये जल जाते हैं, सिद्धत्व की प्राप्ति होती है, सभी कर्म जल जाते हैं। और वो आत्मा किस दशा को प्राप्त होता है कि बस अधूरा था पूरा हुआ, पूर्णाहुति कहते हैं, ये पूर्णाहुति शब्द यहां से आया, पूर्ण रूप से कर्मों को आहुति अर्थात जला दिया, इसका नाम पूर्णाहुति। थोड़ी आहुति नहीं, पूर्ण रूप से आहुति, पूर्ण रूप से जला दिया उस ध्यान की अग्नि से, कर्मों के ईंधन को ऐसे जलाया कि पूर्णता की प्राप्ति हुई। मुनिराज, मुनिराज गर्म पत्थर पर ये जो शंका है, मुनिराज गर्म तपते हुए पत्थर पर बैठते हैं, मुनिराज तपते हुए पत्थर पर बैठते हैं, उसमें जिज्ञासा है, मुनिराज तपती शिला पर क्यों बैठते हैं? यही गरम, गरम शिला। मुनिराज जब परिषह को सहन करते हैं, सहन करने का भाव वो सहन करना नहीं है, सहज रूप से जानना है। जब भी मैं ये पढ़ता सहन, मुनिराज सहन, सहो सहो ये सब कहते थे महाराज साहबों को, मैं पढ़ाता था मुंबई में, तो उनसे मैं कहता, वो कहते खास जानबूझ करके गर्मी में ही बैठे जहाँ पसीना होता है, इतना पसीना, और धूप में चलो शरीर को जलाओ, जितना शरीर जलाओ उतने कर्म जलेंगे, शरीर को जलाने से कर्म जलते, वो अग्नि में, अग्नि में खुद अंदर गिरने से कर्म जलते, तो अग्नि कायिक को सिद्ध परमात्मा कहते, क्योंकि वो तो अग्नि में गिरता नहीं, उसकी तो काया ही अग्नि है, उसका तो मोक्ष होना चाहिए, अग्नि से मोक्ष का कोई संबंध नहीं। जब मैं वो सहन करता पड़ता, सह मैं अलग करके न को पढ़ता, सह न करते हैं, जो सह न करते हैं अर्थात जो 22 प्रकार के जो परिषह है, 22 प्रकार के परिषह में कहीं पर भी एकत्व नहीं करते, बस वो सहन करते हैं, सह न करते हैं, उसका साथ नहीं करते हैं, उसका संग नहीं करते हैं, अर्थात उसे सहज रूप से स्वीकार करते हैं। ऐसी वह भावलिंगी मुनिराज की दशा, शरीर की स्थिति ऐसी, धर्म शरीर को तपाना नहीं। जब मुनिराज आत्मा के ध्यान में, तब तो उस पहाड़ के, उस पत्थर के उष्ण होने पर ध्यान गया ही नहीं, चमड़ी नहीं जलेगी ऐसा नहीं, चमड़ी जलेगी, शरीर ऐसा हो जाएगा, हाड़ पिंजर भी दिखने लगेंगे, शरीर शरीर का कार्य करेगा, मगर तैयारी है, उतने मोक्ष के निकट पहुंच रहे हैं। ये कुछ पलों का जो फासला था वो फासला अब तय हो रहा है, यात्रा आगे की ओर हो रही है, पीछे जो गया सो गया, अब आगे जो सिद्धत्व की प्राप्ति होने वाली है उसी की ये तैयारी है। भेद विज्ञान के बल से ही ये दशा प्रकट होती है। मुनिराज गरम पत्थर पर बैठते हैं मगर गरम पत्थर को छूते नहीं, अस्पर्शी गरम पत्थर को छूते नहीं, इसलिए तो वह दशा प्रकट होती है। इसलिए तो साधु ही सिद्ध होते हैं कि जो भावों से शिला को छूते नहीं थे, ऐसे साधु
वो वास्तव में ऐसी दशा को प्राप्त होते हैं कि शिला को छूते नहीं, सिद्ध शिला को छूते नहीं, सिद्ध शिला के ऊपर विराजमान होते हैं वे ही साधु, क्योंकि साधु से ही सिद्धत्व की प्राप्ति होती है। उस साधु की वह दशा, साधु शिला को छूते नहीं है, ऐसी वह दशा। शरीर जलता है तब अंतर में यह जागृति, जब भी मैं तुमसे जागृति के बारे में कहूं, जागृति का अर्थ श्रद्धा, जागृति का अर्थ विचार नहीं, सोचना नहीं, जागृति अर्थात श्रद्धा का यथार्थ परिणमन, आत्म जागृति अर्थात सम्यक दर्शन। यदि विचार होता तो सम्यक दृष्टि 24 घंटे विचार नहीं करते कि मैं आत्मा हूं, मगर सम्यक दृष्टि को 24 घंटे श्रद्धा है, इसलिए कहते हैं ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है, क्योंकि ज्ञानी को प्रति समय सम्यक दर्शन रहता है। मुनिराज तपती शिला पर ध्यान करते हैं, तपती शिला पर ध्यान करते हैं, तपती मिट्टी पर ध्यान करते हैं, ध्यान की अग्नि से कर्मों के ईंधन जलते हैं और ध्यान की अग्नि, बस अग्नि बढ़ती जाती है, अग्नि फैलती जाती है, फैलने पर फिर इतना जोर मत देना, फैलेगी वह अग्नि मगर उस पर जोर मत देना। महत्वपूर्ण यह नहीं, जैसे तुमने होली जलाई, होली में क्या किया कि लकड़ियों को जलाया, अब तुम जब लकड़ी को जलाते हो कितनी बड़ी होली, होलिका का वो दहन करते हैं, तो जब वो जलाते हैं तब एक छोटी सी माचिस की तिल्ली, उस तिल्ली को वहां पर ऐसा स्पर्श हुआ कि वो आग लगी, फिर बड़ी 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 बढ़ती जा रही। वो बढ़ना वो इतना महत्वपूर्ण नहीं, वो तो थोड़ी देर में बढ़ जाएगी, मगर वो जो माचिस की जलती तिल्ली का छू जाना, बस वो महत्वपूर्ण है। और सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन ये, इसलिए मैं कहता हूं ध्यान की धधकती अग्नि पर जोर मत देना, ज्ञान की ज्योति जले उस पर जोर देना, क्योंकि उस ज्योति के सहारे ही वो आग फिर लगेगी ध्यान की, कि जिसमें कर्म के ईंधन चलेंगे, वो ज्ञान की ज्योति, और ज्ञान की ज्योति की स्पर्शना के लिए और चैतन्य तत्व की प्रति समय जागृति के लिए अब क्या करें? आगे दूसरी शंका 12 नंबर के सत्संग में आया कि जैसे शरीर में नाखून बढ़ जाते हैं, बाल बढ़ जाते हैं, तब हम उन्हें काट देते हैं, वे शरीर के ही अंग है, कटने के बाद फिर उनसे कोई संबंध नहीं रहता है, वैसे ही बेटा बेटी माँ के गर्भ में रहते हैं और जब उनका जन्म होता है तब वे माँ से अलग हो जाते हैं, फिर उनसे भी संबंध छोड़ देना चाहिए। उसमें यह प्रश्न उठता है कि जिज्ञासा है कि नाखून और बाल तो बढ़ने के बाद खराब लगते हैं, उनको काटने के बाद अच्छा लगता है तथा उसको फेंक देते हैं, उनके प्रति कोई विकल्प नहीं रहता है, लेकिन बेटा बेटी को तो फेंक नहीं सकते हैं तथा उनके प्रति अपनापन का भाव तो रहता ही है, वो कैसे छोड़े? समाधान देना।
प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक चंद्राबेन भिलाई की ही यह शंका है, बहुत मार्मिक शंका है ये। इसके पीछे भी इतने मर्म छुपे हैं, और जिन सुपात्र जीवों को मैं अपनी नजरों से देखता हूं उनमें ये भी है, उनकी ये शंका ये तभी हो सकती है जब अपने जीवन में ये प्रयोग करना चाहा। 12 नंबर के सत्संग में नाखून और बाल के दृष्टांत से ये बात बताई थी। ये 2 अंग ऐसे शरीर के ही, बाल नाखून, जो जीवन भर काटते रहो तो भी बढ़ते ही रहते हैं, इसलिए ये बात बताई। सबसे पहले उनकी एक मिथ्या समझ को मैं ठीक करूं कि उन्होंने इसमें लिखा है जैसे शरीर में नाखून बढ़ जाते हैं, बाल बढ़ जाते हैं तब उन्हें काट देते हैं, वे शरीर के ही अंग है, कटने के बाद फिर उनसे कोई संबंध नहीं रहता है। वैसे ही बेटा माँ के गर्भ में रहता है, बेटा बेटी माँ के गर्भ में रहते हैं, और जब उनका संबंध जन्म होता है तब वे माँ से अलग हो जाते हैं, फिर उनसे माँ संबंध हमें अब उससे संबंध छोड़ देना चाहिए। उनका यह है कि नाखून और बाल तो बढ़ने के बाद खराब लगते हैं इसलिए काट देते हैं। यह सबसे बड़ी भूल है कि नाखून और बाल खराब लगने के कारण काट करके नहीं फेंकते, ये बात समझना। नाखून और बाल खराब लगने के कारण नहीं फेंक देते, मगर नाखून और बाल इसलिए काट करके फेंक देते हैं कि नाखून बाल को काटने पर भी मेरा अस्तित्व रहेगा। वो खराब लगना ये अलग बात, वो चारित्र के संबंध में, अच्छा लगना और बुरा लगना, और ये श्रद्धा के संबंध में है कि इसमें मेरी सत्ता नहीं, मैं यदि इसके बिन नहीं होंगे ये बाल नाखून तो भी मेरा अस्तित्व तो रहेगा। खराब लगने के कारण काट करके फेंक देते तो क्या होता, जैसे किसी का अब पूरा चेहरा इतना खराब हो गया है, अब उसे दर्पण में देखने पर लगता है कि यह पूरा चेहरा खराब हो गया है, जैसे चेहरे पर फोड़े हो गए, फुंसियां हो गई, तो ये सब जो शरीर पूरा ऐसा खिलवाड़ हुआ, खुश शरीर थी गई हुए, तो दर्पण में देखते हैं कि यह पूरा खराब शरीर हो गया, तो खराब तो लगता है, तो फिर गर्दन काट करके फेंक क्यों नहीं देते, क्योंकि भले खराब लगता है मगर यह काट दूंगा तो मैं कैसे जीऊंगा। मगर यहां नाखून काटने के बाद में मैं तो जीऊंगा, अज्ञानी यह मानता है, मैं मर नहीं जाने वाला, तो अपनी सत्ता किसमें मानी है। तो सबसे पहले बेटा बेटी को छोड़ने के लिए बेटा बेटी खराब लगने चाहिए यह जरूरी नहीं है, बेटा बेटी को छोड़ने के लिए बेटा बेटी के कारण मेरा जीवन नहीं है ये मानना पहले जरूरी है। इसलिए मुनि धर्म अंगीकार करने से पहले सम्यक दर्शन जरूरी है, अनिवार्य है, क्योंकि मुनि धर्म अंगीकार करने का मतलब बेटा बेटी को छोड़ देना, और उससे पहले सम्यक दर्शन प्रकट होना अर्थात कि बेटा बेटी के बिना भी मेरा जीवन है, जब इस शरीर के बिना भी मेरा जीवन है तो बेटा बेटी से मेरा जीवन कैसे हो सकता है। तो इस श्रद्धा से सम्यक दृष्टि की यह दशा। एक बात और, नाखून और बाल तो बढ़ने के बाद खराब लगते हैं, उनको काटने के बाद अच्छा लगता है। काटने का कार्य सिर्फ अच्छा लगता है इसके लिए नहीं है, हमेशा याद रहे, अच्छे के लिए नहीं है, उसमें अपनापन जो है वो अपनापन, क्योंकि और भी लोग हैं दुनिया में, सबके बाल नाखून को काटता रहो क्योंकि अच्छा लगेगा। बाल काटू नाखून को काटने वाला वो अच्छा लगता है इसलिए नहीं, मगर कहीं ना कहीं अपनापन के कारण,
वो नाई है, नाई बाल को काटता है कि इसके बाल कितने अच्छे लगते हैं, मैंने काट दिए बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छे नहीं, वो बाल तो कितने ही अच्छे लगते हो, मगर वो पैसा दिए बिना फिर चला जाए तो वो अच्छे बाल वाला भी कितना बुरा लगता है कि अरे ये क्या कर दिया। तो बाल अच्छे नहीं लगते, बाल के बदले में जो मिलने वाला है, और वो भी अच्छा तो बाद में, पहले तो मेरा मेरा हो गया, ये पैसे मेरे, उसकी जेब में जितने भी हो, वो एकत्व का ममत्व का भाव है वो ज्यादा खतरनाक है। इसलिए स्वयं की सत्ता, इसलिए मेरे कारण पर पदार्थ का अस्तित्व नहीं है। बाल नाखून जैसे कट जाते हैं, वो जो दृष्टांत दिया है उस दृष्टांत को इस रूप में समझना, मुनिराज की वह दशा, उसके बिना भी मेरा जीवन है। अब मुनिराज कैश लोच करते हैं तो बाल अभी थोड़े ज्यादा बढ़ गए तो अच्छे नहीं लगते, निकाल दो बाल को, थोड़े अच्छे लगेंगे। तो एक बाल को खींच करके देखो कैसा लगता है। तो ऐसे मुनिराज को कितनी पीड़ा होती होगी बाल को खींचते तब। मुनिराज को पीड़ा हो तो वह मुनिराज नहीं, ये खास, क्योंकि मुनिराज का दूसरा नाम तो वितराग परिणति है, और वितराग परिणति में दुख कहा, दुख तो राग में है, इसलिए मुनिराज। अब इसलिए जो मुनिराज जब कहो वितराग परिणति वो मुनि ऐसा मुनि, और वो जो बाल को खेते हैं, बाल को निकाल देते, तो बाल को निकाल दिया, कैश लोच कर दिया, वहां पर भी यही, शरीर तो इतना मल से भरा है, थोड़ी उंगलियों को काट दो ऐसा नहीं, मगर इसके बिना भी जीवन है, बाल के बिना। और खास बात यह कि वो कटे हुए बाल जितने दूर के दिखते हैं, वो खास बात इसके लिए कि कटे हुए बाल जितने दूर दिखते हैं, ऐसे ही सम्यक दृष्टि को, सम्यक दर्शन होने पर शरीर के बाल कटे हुए बाल की तरह दूर दिखते ऐसा नहीं, पूरा शरीर ही कटे हुए बाल की तरह पूरा दिखता, दूर दिखता है। ये कैसा लगा कि देखो कितनी सूक्ष्म बात बताई, कि जैसे अज्ञानी को वो कटे हुए बाल जो है वो नीचे पड़े हैं, जैसे अज्ञानी वो कटे हुए बाल को देखता है, ऐसे ज्ञानी शरीर को कैसे देखता है, कैसे मानता है कि खाली बाल नहीं मगर पूरा शरीर ही जैसे आत्मा से कटा हुआ पड़ा हो ऐसा दिखता है। यह सम्यक दृष्टि, ये बात झूठी है। अब सत्य क्या है वो सुनो, क्योंकि वहां जो उसके बाल कटे ना मिथ्या दृष्टि ने, उसने देखा कि यह बाल अब मेरा नहीं, मगर उसने ये तो माना है कि थोड़ी देर पहले यह मेरा था, भूतकाल में तो था ना मेरा। और सम्यक दृष्टि, जब सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो अब यह शरीर मेरा है ऐसा नहीं, त्रिकाल यह मेरा है ही नहीं, भूतकाल में भी नहीं, वर्तमान में भी नहीं, और भविष्य में भी नहीं, ऐसा भेद श्रद्धा में आना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन का मतलब कि त्रिकालवर्ती समस्त पर पदार्थों से, समस्त आया वो द्रव्य की अपेक्षा से, और वो त्रिकाल आया वो काल की अपेक्षा से, और किसी भी प्रकार का संबंध नहीं वो भाव की अपेक्षा से, और तीन लोक के किसी भी प्रदेश पर जो है वो क्षेत्र की अपेक्षा से, माने सम्यक दर्शन प्रकट होने का अर्थ ये ऐसा, नहीं तो झटका लगेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि कोई पत्नी अभी शादी हुई हो, 6 महीने हुए और पत्नी छोड़कर के चली जाए, तो आजकल इस जमाने में लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है चलो उनका बना नहीं, हो गए अलग, तलाक हो गया, मगर 5 साल तक साथ में रहे और फिर तलाक हो जाए कि अरे इतने साल तक साथ में रहे और अलग हो गए और छोड़ करके चली गई वो, और उसमें भी यदि ऐसा हो कि कोई पति पत्नी 80 बरस के है बूढ़े, और उनका तलाक होता हो तो कैसा लगेगा कि अरे इतनी साल तक साथ में रहे और क्या हो गया,
अब उनका नहीं, भूतकाल में तो ये इसकी थी और अब ये इसकी नहीं रही, तो कितनी कितना दुख होता है। तो ये अनंत काल से तो मेरा था, अनंत काल में जो मेरा रहा और अब ये मेरा नहीं रहा तो झटका लगेगा। मगर सम्यक दर्शन होता है तब कि कभी मेरा था ही नहीं, तो फिर दुख भी नहीं होता। ऐसा ऐसा है, त्रिकालवर्ती भेद विज्ञान होता है, सम्यक दर्शन प्रकट होता है तब, क्योंकि त्रिकाली की अनुभूति हुई ना, और उस त्रिकाली की अनुभूति में एक भी परमाणु अंदर मिला हुआ नहीं देखा, तीनों काल में त्रिकाल चैतन्य सत्ता में। ये इसका रहस्य है, माने भेद विज्ञान के लिए बाल नाखून बहुत सूक्ष्म, ये भाव समझने के लिए। शंका तो ये एक ज्ञान दीपक की है, मगर इनके निमित्त से और बहुत से जीवों को जो लाभ हो रहा है, तो उनका हम सभी पर इतना ऋण है कि हमें ये सत्संग करने का अवसर दिया है। आगे तीसरी शंका, और भी उन्होंने बहुत सी शंकाएं पूछी है, मगर मैं सभी की शंकाओं को, थोड़ी थोड़ी शंका लेकर के सभी को शंकाओं का समाधान मिले, इसलिए आगे प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक प्रफुल्ल भाई रूपाणी गुरुदेव को भाव भरे वंदन नमन उमराला से दूर होने पर आध्यात्मिक साधना केंद्र की यादें दो वस्तुओं में समाती है, एक तो पारसमणि समान गुरुजी आप और दूसरे नंबर पर है प्रवचन स्वाध्याय हॉल कि जिसमें आपने भगवान के और गुरुदेव के चित्रपट में आपने प्राण डालकर जीवंत किया है, इस अंतर के भाव को व्यक्त करते हुए निम्नलिखित प्रश्न पूछने की अनुमति चाहता हूं। विचार करते समय मैंने महसूस किया कि मुझमें राग अनादि का है और यह केवल कोई एक व्यक्ति के प्रति ही नहीं बल्कि समस्त पर पदार्थ की ओर का है, तो इस राग को कैसे दूर करें? मैंने भूतकाल में अनंत भवों में जो पदार्थों को भोगा है, क्या यह राग उसके कारण है? यह सत्य है कि राग अनादिकालीन है, यह विकृति आज की नहीं, यह अनादि की है, जिसका स्पष्टीकरण परम कृपालु देव ने क्रोधादि तरतम्यता सर्पादिकनी माई ये दृष्टांत से आत्मसिद्धि शास्त्र में व्यक्त किया है। कोई बालक जन्म से ही इतना वैरागी और कोई बूढ़ा मरने की तैयारी में भी इतने विषय कषाय वाला, ये सिर्फ इस भव की देन नहीं है, इसके पीछे पूर्व भव के संस्कार कारणभूत है। और आत्मा की दृष्टि से देखे तो भूतकाल के संस्कार पूर्व भव भी क्या, क्योंकि आत्मा को तो वो पूर्व का भव और इस भव का ऐसा कोई भेद ही नहीं,
इसलिए भूतकाल के संस्कार, इस भव में वे संस्कार यथा योग्य उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं, और उस समय ऐसा कहते हैं ऐसे प्रकार के निमित्त आने पर वे संस्कार आए। खास करके बच्चों के लिए वो जो पूर्व भव के संस्कार का बहुत गहरा कनेक्शन है। यदि परम कृपालु देव के बारे में आपने सुना हो कि 7 वर्ष की आयु में वो जो पेड़ पर शमशान में पेड़ पर चढ़कर वो दृश्य देखना, आपने उनके बारे में जाति स्मरण के बारे में सुना हो बचपन में, फिर कुंदकुंद आचार्य 11 बरस की उम्र में, ये जो उस समय का जो काल है, पूज्य गुरुदेव श्री बेंसरी बेन चंपा बेन 15 वर्ष की आयु में, वो जो आपने सुना है विरह की वेदना, वो जो उस समय का जो काल है वो बहुत महत्वपूर्ण काल है, और उन भावों के लिए खास करके 7 से लेकर 14-15 वर्ष की आयु, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उस प्रकार के काम विकार के संस्कार उदय में नहीं आते, तो मन उन विकारों से रहित होने से उस समय इतना पवित्र होता है उस समय। और दूसरी बात की तो फिर 1 साल से ही 14 साल का कहते कि 1 साल से 7 साल तक शरीर में ऐसी शक्ति नहीं है कि वो विचार करे उस प्रकार का, तो दोनों का वो मिलन होता है कि शरीर तो शक्ति वाला होता है और विकार अभी अंदर में ऐसा उत्पन्न नहीं होता है। वो उस समय का जो काल है 7 से 14 बरस के बीच का काल, वो जीवन का इतना महत्वपूर्ण काल है। परम कृपालु देव पूज्य गुरुदेव श्री फिर बहन श्री बहन, और भी यदि मैं अपने बारे में कहूँ तो मेरे एक तस्वीर आपने देखी होगी 7 वर्ष की उम्र में, उस तस्वीर में भी मुझे ये कि पूजा करने के लिए बिठाते थे चावल को इस थाली में से दूसरी थाली में डालने के लिए, मगर यही शंका मुझे होती थी, मैं हर बात मानने के लिए तैयार था मगर ये बात मानने के लिए नहीं कि इस थाली का चावल मैं इस थाली में डालूं। वो थाली का ही फोटो वहां पर आपके सामने है कि मैं चुपचाप दूर बैठा हूं, 7 बरस में मैंने थाली में चावल नहीं डाला, कि तब से लेकर के अब तक लोग कहते वो ही करते हो क्या, कि तब से लेकर नहीं मगर वो विचार तब से चल रहा था, फिर चढ़ाए भी कहीं झंझट में नहीं पड़ना हो तो। मगर खास बात ये कि एक थाली का माल दूसरी थाली में डाल देने से धर्म कैसे हो जाता है, वो विचार चलता था वो बात, वो जो 7 बरस से लेकर के वो 14 बरस का काल, और यहां जो है वो विकृति पूर्व भव की, राग का भाव अनादि का है, अनादि का राग का भाव पूर्व में भोग भोगे हैं, इस वजह से ये राग के भाव उदय में आते हैं, ये जो इनका प्रश्न है कि मैंने अतीत में अनंत भवों में जो पदार्थों को भोगा है क्या ये राग उसके कारण है। राग की उत्पत्ति पूर्व में भोगे हुए पदार्थों के कारण होती तो अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान ने तो भूतकाल में भोगा था ना, जैसे भरत चक्रवर्ती ने 96,000 रानियों को भोगा, तो भरत चक्रवर्ती को फिर भूतकाल कहो तो भूतकाल में उन्होंने भोगा तो अभी उनको भाव आना चाहिए, भूतकाल में भोगने के कारण वर्तमान में भाव आता तो फिर मोक्ष होता ही नहीं, क्योंकि भूतकाल में भोगा वर्तमान में भाव आया फिर वर्तमान में भोगा फिर भविष्य में भाव आएगा तो छूटने का उपाय नहीं। तो भूतकाल में भोगा है भोगों को इसलिए ये राग का भाव उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं। राग का भाव उत्पन्न होता है मैं राग स्वरूप हूं ऐसी मान्यता के कारण, और जब कोई जीव ये माने कि मैं राग स्वरूप नहीं तो राग छूट जाता है, फिर राग उत्पन्न नहीं होता। सम्यक दृष्टि को तो राग होता है,
सम्यक दृष्टि को राग होता है, मगर सम्यक दृष्टि को अनंतानुबंधी राग नहीं होता। वो तो जब ये माना कि मैं राग स्वरूप नहीं हूं कि राग छूट गया, वो उसी समय। इसलिए तो कहते सम्यक चारित्र माने क्या, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का अभाव, उसका नाम सम्यक चारित्र। वो कर्म की अपेक्षा से कहा वरदा, वैसे तो आत्मस्वरूप में स्थिरता। वो जिस समय ये माना कि राग के भाव के कारण मेरी सत्ता नहीं है, उसी समय राग गया। और ऐसी मान्यता के बल पर अब क्रम से फिर अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संजुलन भी जाएगा, मगर एकत्व का भाव जो छूटता है, वो एकत्व के भाव के छूटने पर राग छूटता है, और राग में एकत्व के कारण राग रहता है। उन्होंने पूछा है कि ये राग कैसे छूटे, राग को कैसे दूर करें। राग को दूर करने से पहले मैं राग स्वरूप हूं ऐसी मान्यता को दूर करें, वो मिथ्यात्व। माने राग को दूर नहीं करना है, मिथ्यात्व को दूर करना है। तुरंत ही वो भाव ही नहीं रहेगा, वो भाव नहीं रहेगा। ऐसा कितने दिनों से कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वस्तु को ऐसे साफ करके रखे, सजा करके रखे, और पता चले कि ये तो मेरी नहीं, तो फिर वो जो भाव उत्पन्न होता था ना, वो भाव भी चला जाएगा, सजाने का भाव भी चला जाएगा। खेत में ऐसा होता है, दो भाई है, अब उसने भूल से ही वो जो अपना खेत और पास में भाई का खेत है, अब खेत दो खेत के बीच में दीवार तो कर सकते नहीं। हम जहां साधना के लिए जाते थे ना, वहां पर मोटा भाई ने मुझे बताया वो खेत एक नहीं, वो तो तीन खेत है, तीन भाई के, उसके बीच में है ना किनारे पर, वहां पर पत्थर गड़ा रहता है। वो पत्थर से पता चलता है कि इतने तक का भाग है वो इसका, और पत्थर के इस साइड का भाग, वहां दीवार तो खड़ी कर सकते मगर पत्थर को रखा है वहां पर। अब किसी ने भूल से वो हल चलाता रहा, सफाई करता रहा, वो हल चलाता रहा, तीन महीने से हल चलाता रहा, और उसके बाप ने बताया तेरा खेत ये नहीं, तेरा तो ये पास वाला है। तो अब वो खेत को हल चला करके उसकी साफ सफाई करता था, वो बंद करो तो ऐसा कहना पड़ेगा। जब पता चला कि ये मेरा नहीं है, तो फिर उसके लिए जो मेहनत करता था वो भी बंद हो जाएगी। माने मिथ्या तो अपनापन जब छूट जाता है, तो फिर वो जो राग का भाव आता था वो भी छूट जाता है। ऐसा वो राग को छोड़ने का ये उपाय, मिथ्यात्व छूटे। राग के त्याग के लिए मिथ्यात्व का त्याग हो, फिर ये प्रश्न होगा कि मिथ्यात्व के त्याग के लिए फिर क्या करें, कि मिथ्यात्व के त्याग के लिए चैतन्य तत्व को ग्रहण करो। चैतन्य तत्व को ग्रहण करने के लिए क्या करें, यस ये प्रवचन सुनो, उसका विचार करो, उसका चिंतन करो। आगे है और भी अनेक शंकाएं, अनेक प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक, परोक्ष ज्ञान दीपक, और साधकों ने भी जो अभी ज्ञान दीपक नहीं है मगर निकट काल में भावना पाते हैं, ऐसे साधकों ने भी शंकाएं पूछी है, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, जो पुराने दिन मुझे स्मरण में आ रहे हैं 2014 में गजपंथा की भूमि पर, और मेरे सामने ये प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक प्रत्यक्ष बैठे हैं, कि जो उस समय भी प्रत्यक्ष बैठ कर के सुनते थे। आप सब परमात्माओं का मुझ पर ऋण है, जिनके निमित्त से मुझे ये सत्संग करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें।